अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज मौसम बड़ा ही प्यारा है। देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश वाला मौसम बना हुआ है। तो मैंने सोचा चलो साथ ही चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। ये मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया था, थोड़ा सा चिकन लिया था और इसमें मैंने दो तीन टमाटर ऐसे काट के डाल दिए थे साथ में, सारा मसाला मिक्स करके। और ये हमने जो है ना प्याज को ऐसे मैश करके डाल दिया था ब्लेंडर में करके। तो और फिर मैंने इसे स्टीम दे दी थी, बिल्कुल ही ज़बरदस्ती जो है रेस्टोरेंट स्टाइल की ज़बरदस्त बहुत ही जल्दी बन जाने वाली कढ़ाई की रेसिपी है। फिर उसके बाद 15 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था इसको। उसके बाद फिर मैंने इसमें ना घी ऐड कर लिया था। ये देखिए हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट तैयार ही होने वाली थी कि हमारी गैस ही चली, बिल्कुल जाने वाली थी। ये कि शुक्र है मेरी हांडी बन गई थी। इसमें मैंने ऐड कर दिया 2 स्पून दही। मैंने देखा हमारी ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई जो है वो बिल्कुल ही रेडी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी थी। मौसम भी बड़ा अच्छा था और कढ़ाई खाने का भी बड़ा मज़ा आया। ये मैंने थोड़ा सा जी इस पर ब्लैक पेपर छिड़क दिया, रेड चिली थी हमारे पास। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ कढ़ाई जो है मुझे पकौड़ों के लिए चाहिए थी, तो वो मुल्तान गए हुए उन्होंने मुझे वहाँ से शेयर की थी। तो मैंने कहा ये ले लो, ये मुझे नज़र आ गई थी शॉप पे, उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की थी। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने मुझे शेयर की थी, लेकिन इसमें से मुझे कुछ खास नहीं चाहिए था। ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी यहाँ पे बर्तन हैं तो मुझे नहीं चाहिए थे, लेकिन वो कढ़ाई मुझे पसंद आई थी वो कर ली। ये देखिए जी हमारा बेबी बहुत ही नाराज़ हुआ है आज, ये सॉरी टू से बेड से गिर गया था नीचे और बेचारे को चोट लग गई, मैं काम में बिजी थी। तो और ये देखिए मुझे जिनसे का मैंने एक पैकेट मंगाया था, तो ये मैं आपसे अच्छी करती हूँ। इसे हम खोलते हैं, इनका ना ऑफ लगा हुआ है इनसे का ना, तो बड़े ज़बरदस्त मैंने डिस्काउंट पैकेज दिए थे, नाइट के नाइट पैकेज भी इनको दिए मैंने दिया हुआ था। बाकी हर चीज़ की तकरीबन शैम्पू और कंडीशनर वगैरह पे ऑफ लगा हुआ था, तो मैंने फिर ये मेरा ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने मंगा लिया। ये देखिए इनका नाइट बंडल था, ये हमने मुझे चाहिए था तो मैंने ये मंगा लिया। इसमें ये 3 चीज़ें थी, इनका फेस वॉश था और ये जिनका विटामिन सी का सीरम है ना, वो क्या ही कमाल सीरम है। मैंने एक ख़त्म कर दिया तो अब मैंने सेकंड मंगाया। और ये फेस वॉश भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त है, इतना स्किन टोन को इवन करता है। और जो ये विटामिन सी का सीरम है ना, ये ज़रूर वो लोग यूज़ करें जिनकी स्किन पे स्पॉट है, मतलब मिक्स स्किन है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट ज़्यादा है उनकी स्किन पर, रफ है, स्मूथ नहीं है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर कर देता है स्किन का और स्किन टोन आपकी ब्राइट करता है, लाइट करता है और आपकी जो है स्किन बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। ये हमारी की नाइट क्रीम थी, मैंने ये भी मंगा ली, मैंने कहा ये भी चेक करती हूँ ये कैसी है। तो ये इनका ये जो फेस वॉश ही ऑलरेडी यूज़ कर ली थी। और हैंड एंड फीट के लिए मुझे कोई क्रीम चाहिए थी, तो मैंने कहा क्रीम तो मुझे नहीं मिली, मैं वो जॉनसन का लोशन यूज़ करती थी जो बच्चों का होता है, तो उससे भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये इनका इसका मैंने बहुत सुना था तो मैंने ये मंगा लिया। मैंने कहा इनका ये लोशन चेक करती हूँ तो फिर इसका रिव्यू मैं आपको दूँगी कि ये कैसा है। या देखें इसकी मतलब मैंने कहा कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डाल के चेक करती हूँ, तो ये समर के लिहाज से ना मुझे ये बड़ा ही ज़बरदस्त लगा। मतलब वो जैसे आम लोशन स्टिकी से होते हैं, कोई नहीं, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, स्किन में बिल्कुल ही वो मर्ज हो जाता है, कोई मतलब इसकी चिपचिप नहीं है और आपको वो बहुत ऑयली टेक्सचर नहीं देता और ज़बरदस्त आपके हैंड सॉफ्ट हो जाते हैं बड़े। तो क्रीम को भी मैंने कहा चेक कर लूँ, मुझे ना ज़रा नाइट क्रीम हैवी वाली नहीं पसंद, जैसे गोल्डन पर्ल फायदा ब्यूटी बनाव ना, ये क्रीम्स आपको बहुत डैमेज करती हैं। जितनी भी लड़कियाँ आजकल लेज़र करवा रही हैं उनके मोस्टली मसले यही होते हैं कि वो अपनी टीन एज में ये क्रीम्स यूज़ करती हैं और उसके बाद फिर उनको जी 30+ में जाके जी उनके बाल आ जाते हैं और उनको ज़रूर लेज़र ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो ब्राय मेहरबानी आप काइंडली जो टीन एजर्स हैं वो मत करें, आपकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो आपके लिए सही रहेगा। इसकी ये क्रीम भी बहुत ज़बरदस्त थी, बिल्कुल भी हैवी नहीं थी, लाइट सी थी, पता ही नहीं लगता कि हमने क्रीम यूज़ किया। और गर्मियों के लिहाज से मतलब समर में बहुत अच्छी है, समर में वैसे भी आपको नाइट क्रीम यूज़ करना बड़ी मुश्किल होती है, जैसे हैवी होती हैं जैसे गोल्डन पर्ल ये वो, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी नहीं यूज़ करें। ये देखिए हमारे इनसे का जो सीरम है ना, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। लॉरियल का मैंने एज़ कम्पेयर टू ये यूज़ किया था, तो जो लॉरियल का था ना वो मतलब उसको मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, मैंने 1 वीक यूज़ किया, उसके बाद मैंने वो यूज़ ही नहीं किया 2400 का, तो मेरे पैसे भी ज़्यादा हुए। ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, 1500 इसकी प्राइस है, अभी डिस्काउंट पे लगा तो 1400 समथिंग था, तो आप ये यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें जी हमारे पौधों के फूल निकल आए थे, मोती के फूल मुझे बड़े ही ज़बरदस्त पसंद है। होप सो मेरी वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर।